Myself Deepthi Rangnani. Today we will deals with spectroscopy, and in this series today topic is non-rigid rotator model, a drad ghurni model. हम जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर से घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने सिंपलेस्ट एग्जाम्पल डायटोमिक मॉलिक्यूल का लिया था, और उस डायटोमिक मॉलिक्यूल को हमने रिजिड रोटेटर माना था तब तक जब तक कि दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है आर, जो कि दिखाया गया है पिक्चर में, अगर वो डिस्टेंस स्टेबल रहता है तब, और मॉडल के घूर्णन करने के बाद, अणु के घूर्णन करने के बाद भी अगर वो डिस्टेंस रिजिड रहता है तो उसे हम रिजिड रोटेटर कहते हैं मॉडल, और अगर ये डिस्टेंस परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल कहते हैं, जिसका कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं. नॉन रिजिड रोटेटर का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जैसे जैसे अणु घूर्णन करता है तो उच्च घूर्णनों पर क्या होता है कि उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है. रिजिड रोटेटर मॉडल में हमने देखा कि दो स्पेक्ट्रल रेखाओं के बीच की दूरी कांस्टेंट है, 2b के बराबर है, और b क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, और b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू i है, और r i इज़ प्रोपोर्शनल टू r है. लेकिन चूँकि जैसे जैसे घूर्णन की जो है वो तेज़ी से होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, अगर बॉन्ड अगर रिजिड नहीं है तो r का वैल्यू जो है, दोनों के बीच की जो दूरी है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तो r का मान बढ़ेगा, r का मान बढ़ेगा तो i का मान कम होगा, i का मान कम होगा तो सॉरी आर का मान बढ़ेगा तो आई का मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा तो बी का मान कम होगा, और बी का मान कम होगा तो दो स्पेक्ट्रल रेखाओं के जो बीच की दूरी है उनका मान भी धीरे धीरे कम होता जाएगा. तो हम देखा कि जनरली दोनों स्पेक्ट्रल रेखाओं के बीच की दूरी का जो मान है उच्च जे के उच्च मानों पर कम होता जाता है. अतः नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल की आवश्यकता महसूस हुई, और नॉन रिजिड मॉडल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए और बी जो कि एक रिजिड बॉन्ड नहीं है बल्कि एक स्प्रिंग है, और इनके बीच की दूरी आर है, और जे के उच्च मानों पर ये आर डिस्टेंस जो है बढ़ता है, आर का मान बढ़ने से आई का मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ने से बी का मान कम होगा, और बी का मान कम होने से 2b का जो डिफरेंस है स्पेक्ट्रल रेखाओं का वो भी कम होता जाएगा. तो जो नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल की जो एनर्जी है उसको हम दे सकते हैं फॉर्मूले से, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ej. अगर हम सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला लिखें तो उसमें लिखा है bjj+1 - dj²j+1² तो जो ये टर्म है dj²j+1² ये नॉन रिजिड रोटेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पर d जो है वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या अपघूर्णी विकृत स्थिरांक होता है. और इसके द्वारा अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू निकालें, जे से जे प्लस वन में अगर कोई मॉलिक्यूल जा रहा है तो अगर हम न्यू बार की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 2bj+1 - 4dj+1³. तो यहाँ जो 4dj+1³ है वो नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल की वजह से प्राप्त हो रहा है. फिर हम इसके द्वारा अगर हम जे की वैल्यू 0 से 1, न्यू की वैल्यू 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 तक अगर गणना करते हैं तो हमें मान क्रमशः 2b-4d, 4b-22d, 6b-108d और 8b-256d प्राप्त होता है. और अगर हम इन दोनों स्पेक्ट्रल रेखाओं के बीच की दूरी निकालें, कि जो सेकेंड और फर्स्ट के बीच का अंतर निकालें, तो अंतर आएगा 2b-28d. 2 और 3 के बीच में अंतर निकालें तो 2b-76d, और 3 और 4 के बीच का अंतर निकालें तो वो आता है 2b-148d. और यह अंतर हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर कम होता जा रहा है. तो अतः स्पेक्ट्रल रेखाएं समान दूरी पर नहीं है, उनके बीच का जो मान है वो जे का मान बढ़ने पर कम होता जा रहा है, जो कि इसके नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल को प्रूव करता है. तो इस तरह से घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पहले रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ा, उसके बाद नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ा. अब ये घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ कंप्लीट होती है. अब हम आगे पढ़ते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जैसे कि पहले बता चुके हैं कि 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है. रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जिसके लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, जिसके लिए कि हमें 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के IR रीजन से मिलती है, इसलिए इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. और जो अवरक्त स्पेक्ट्रम होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, एक तो नियर
आईआर रीजन होता है, दूसरा ऑर्डिनरी आईआर रीजन होता है, तीसरा फार आईआर रीजन होता है। और इसमें दिखाया गया है कि जो तरंग धैर्य परास है वो 0.8 से म्यू से 2.5 म्यू तक होती है नियर आईआर के लिए, ऑर्डिनरी आईआर के लिए 2.5 म्यू से 15 म्यू तक होती है, और फार आईआर रीजन के लिए 15 म्यू से 200 म्यू तक होती है। और अणुओं को उत्तेजित करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः शुद्ध जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होते हैं सुदूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ये स्पेक्ट्रम जो है आणविक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए जो नॉर्मल क्षेत्र होता है, नॉर्मल आईआर रीजन, वो उपयोगी होता है। और अधिकतर कार्बनिक यौगिक जो हैं वो इसी रीजन में अवशोषण करते हैं। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट या प्रायोगिक व्यवस्था क्या होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, कि जो इसमें जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं नियर आईआर और निकट अवरक्त और अवरक्त जो ऑर्डिनरी, मतलब फॉर नियर एंड ऑर्डिनरी रीजन के लिए हमें नर्न्स्ट ग्लोअर काम में लेते हैं। और नर्न्स्ट ग्लोअर क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 मिलीमीटर जो डायमीटर की एक जिरकोनियम, सीजियम और थोरियम के ऑक्साइड्स के मिश्रण से बनी हुई छड़ होती है, और उसको विद्युत प्रवाहित करके 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। और जो फार आईआर रीजन होता है उसमें हम वेलबेक लैंप या उच्च दाब वाला जो मरकरी आर्क लैंप है वो काम में लेते हैं। उसके बाद मोनोक्रोमेटर के रूप में प्रिज्म या ग्रेटिंग काम में ले सकते हैं। और जो सैंपल सेल होती है वो जो है वो मेटल हैलाइड्स जो कि सोडियम और क्लोराइड और NaCl की बनी हुई होती हैं। जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें हम वाटर नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर इटसेल्फ जो है वो आईआर स्पेक्ट्रा देता है, इसलिए वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह हमें कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, ये चारों यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हो गए सैंपल सेल और सॉल्वेंट। उसके बाद डिटेक्टर, डिटेक्टर के रूप में जो है हम थर्मोपाइल या बोलोमीटर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की क्या शर्तें होती हैं, कौन से यौगिक होते हैं जो कि आईआर स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए दो शर्तें होती हैं कि अणु की जो कंपन गति है, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रम किससे मिलता है, कंपन गति से मिलता है, क्योंकि इसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिक्स स्पेक्ट्रम होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है। तो अणु की जो कंपन की गति होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो विकिरण की आवृत्ति के समान होती है। तो न्यू विकिरण बराबर न्यू कंपन होना चाहिए। यदि कंपनों की आवृत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी की विकिरण की आवृत्ति है। इसका कारण यह है कि कंपनों के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण भी दोलन करता रहता है, और जब इन द्विध्रुव आघूर्ण की दोलन की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय आवृत्ति से मैच होती है तब अणु विकिरण का अवशोषण करता है, वरना नहीं करता है। दूसरा है कि अणुओं में कंपनों के जो परिणाम स्वरूप उनका द्विध्रुव आघूर्ण जरूर बदलना चाहिए, और जो डाइपोल मोमेंट है उसकी या तो परिमाण बदले, मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले या फिर उसकी डायरेक्शन बदले। और यह परिवर्तन कब होगा, जब उसमें अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब जैसे कुछ द्विध्रुव अणु ऐसे होते हैं, जैसे डाईमोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों में सेम एटम्स हैं तो इसमें आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। इसी तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन के दोनों तरफ दो बॉन्ड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाले होते हैं, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जो इसका जीरो होता है, और ये आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, ये आईआर इनएक्टिव होते हैं। जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाले होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल HCl हैं, NO2 हैं और वाटर हैं। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स, ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं एसिमेट्रिक जिसमें स्ट्रेचिंग होती हैं, वो आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं। तो इस तरह से आज हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास चाहिए होती है। उसके अलावा इस ये जो है ऑर्डिनरी आईआर रीजन में देते हैं। ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ा इनका, और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा कि इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम जो है आईआर स्पेक्ट्रम के यूजेस और नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।